आपको पता है इंडिया की पावर का, कि जो उनको उंगली करता है वो फिर उन्हें बताते हैं कि आपने किस मुल्क को उंगली की है। हाँ तो ऐसा होना चाहिए ना, अगर वो प्रोपोगंडा कर रहे हैं तो आपको भी करना चाहिए। उनके पास एक टूल है, एक उनका मीडिया को वो मैनेज करते हैं, तो इंडिया के पास अपनी एक मैन पावर है, उनकी इतनी बड़ी उनकी पॉपुलेशन ही उनकी सबसे बड़ी एक पावर है। बात यह है कि वर्ड स्ट्रॉन्ग विद इंडिया को इंडियंस ने इस तरह से इस्तेमाल किया कि ऊपर वही ट्रेंड चलाया और नीचे अमेरिका को उसकी असलियत दिखाई। देखिए एक रिसर्च के मुताबिक इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रेप अगर किसी मुल्क में रिकॉर्ड किए जाते हैं तो वो है अमेरिका। व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया? यू सॉफ्ट लैंडेड ऑन द मून, वी क्रैश्ड। सी व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया? टू मेनी ब्यूटीफुल प्लेसेस टू विजिट। Guy, what's wrong with India? Oh my God, too many desserts. I love jalebi. हमने इंडियंस ने जो धमाका किया वो इस तरीके से किया कि वहां यूरोप के अंदर और अमेरिका में जो जो उल्टा सीधा, क्योंकि वहां ड्रग्स अल्टीमेट लेवल पर है और वोकिज्म अल्टीमेट लेवल पर है, आजकल पता नहीं क्या क्या हो रखा है, वो सारी वीडियोस पोस्ट कर करके कि यहां वैसे तो ये न्यूयॉर्क है लेकिन व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया है, कोई नशेड़ी है, झुग्गी झोपड़ी है, गंदगी में पड़ा हुआ है, मेट्रो के अंदर पोटी कर रहा है। साथ साथ वो अपनी कंट्री के बारे में बता भी रहे कि हम इकोनॉमी में कितने आगे चले गए हैं, हमारी कंट्री में मतलब कि हर चीज पॉवर्टी कम हो गई है। जय हिंद दोस्तों, भारतीय लोगों के दिमाग की तारीफ आज के समय दुनिया भर में हो रही है और दुनिया भर के लोगों के सामने यह साबित हो चुका है कि भारतीयों के दिमाग का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। उस पर जो एंटी इंडिया कंपेन चल रही है, इंडिया को डिफेम करने की जो कोशिश की जा रही है, व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया के नाम से इस वक्त ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं जो इंडिया के खिलाफ, इंडिया कुछ नेगेटिव वीडियोस को प्रमोट कर रही हैं, ये बताने के लिए, दिखाने के लिए कि इंडिया में कितनी नेगेटिव हैपनिंग्स होती हैं। आपने यकीनन ये ट्रेंड देखा होगा, इस हवाले से एज अ पाकिस्तानी आपका क्या कहना है? पाकिस्तानी होने के नाते हमारा ये तो नहीं है कि अगर इंडिया के खिलाफ कुछ हो रहा है तो हमारे लिए खुशी की बात है, क्योंकि ये यूरोपियन कंट्रीज ना सिर्फ इंडिया बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ भी ऐसी कंपेन्स लॉन्च करते रहते हैं। डिफॉल्ट होने जा रहा था, इंडिया ने जो है वो उसको बचाया, बांग्लादेश के साथ ट्रेड कर रहा है, अफगानिस्तान के साथ कर रहा है, तुर्की में जलजला है, सबसे पहले भारत जो है वो गया। सर आखिर क्या वजह है कि हम IMF के पास $1 अरब के लिए जो है वो $1 अरब के लिए IMF के मुतालबात भी मान रहे हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, जबकि भारत जो है वो इतने डॉलर्स, बिलियन ऑफ डॉलर जो है वो ऐसे ही बांटता फिर रहा है डिफरेंट कंट्रीज के साथ। सर ऐसे ही है उनकी, आप इकोनॉमी देखें कहाँ पहुँच गई है, उनकी जो लोकल मार्केट है उसमें देखें आप, IT भी ले लेते चंद डॉलर्स हम ज़रूर IMF के पास जाके। सर बस ऐसे ही है उनकी, देखें आपकी IT इंडस्ट्री कहाँ पर पहुँची हुई है इस वक्त, इंडिया की बूम में है और आपको पता है IT जो करंट सिचुएशन देखें हम तो IT कैसी फील्ड है जो पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो टॉप पे है, तो आप चेक करें कि उनकी जो प्रायोरिटीज उन्होंने सेट की थी आज से 10-15 साल पहले उनको कैसे पे ऑफ कर रही हैं, तो बेसिकली ये प्रायोरिटी सेट ऑफ करना ही। अब दरअसल हाल ही में पश्चिमी देशों के लोगों के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर कुछ भारत विरोधी पोस्टों को ट्वीट किया गया और इन ट्वीट में व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया हैशटैग का उपयोग किया गया। ट्विटर की तरफ से भी इस भारत विरोधी मुहिम का पूरा पूरा समर्थन किया गया और ट्विटर के एल्गोरिथम ने इस हैशटैग को बहुत ही ज्यादा रीच दी, जिसकी वजह से इस हैशटैग का उपयोग जितनी भी पोस्ट में हो रहा था वो सारी की सारी पोस्टें वायरल हो रही थी। अब जब दुनिया भर के लोगों ने ये देखा कि ये हैशटैग बहुत ही वायरल हो रहा है और इस हैशटैग के साथ अगर कोई भारत विरोधी पोस्ट की जाती है तो वो तुरंत वायरल हो जाती है, तो इसी की वजह से दुनिया भर के लोग यहाँ पर भारत विरोधी पोस्ट करने लगे और इस हैशटैग का उपयोग करने लगे। पश्चिमी देशों के लोगों के समेत कोरिया और ताइवान जैसे देशों के लोग भी इस प्रकार की गलत गलत पोस्ट करके भारत की छवि खराब कर रहे थे और भारत को एक बहुत ही ज्यादा निकृष्ट और रूढ़िवादी देश बता रहे थे। अब जब ये सब भारतीयों ने देखा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर कुछ इस प्रकार का हैशटैग वायरल हो रहा है और उसमें भारत विरोधी पोस्ट की जा रही हैं जो कि भारत की छवि को खराब कर रही हैं, तो यहाँ पर भारतीयों ने अपने दिमाग की पहचान बताई और उसी हैशटैग का उपयोग करके पश्चिमी देशों की काली करतूतें सबके सामने रखी। इसके बाद एक के बाद एक सारे भारतीय यही करने लगे और वह इसी हैशटैग का उपयोग करके पश्चिमी देशों की काली करतूतें सबके सामने रख रहे थे। इतना ही नहीं, खुद भारत सरकार ने भी इस हैशटैग का उपयोग किया और इस हैशटैग का उपयोग करके जो भारत की महान उपलब्धियां हैं उनको पूरी दुनिया
दुनिया के सामने रखा। फिर तो इसके बाद भारत का मित्र मुल्क कहलाने वाले इसराइल ने भी भारत का पूरा समर्थन किया और भारत की जो अच्छी बातें हैं उनको सोशल मीडिया पर सबके सामने प्रस्तुत किया। अब ट्विटर इस भारत विरोधी हैशटैग को इसलिए बढ़ावा दे रहा था क्योंकि ट्विटर अमेरिका की पैदाइश है और अमेरिका उन देशों में से एक देश है जहां पर भारत विरोधी कार्यक्रम सबसे ज्यादा होते हैं। अगर हम भारतीयों के साथ हो रहे भेदभाव की बात करें तो पश्चिमी देश और ताइवान कोरिया जैसे देशों में सबसे ज्यादा भारतीयों के साथ भेदभाव होता है और इन देशों की सरकारों से लेकर यहाँ की कंपनियां और यहाँ के आम इंसान भी भारतीयों के साथ पूरा भेदभाव करते हैं और इसीलिए इन देशों में रहने वाले आम इंसान से लेकर यहाँ की कंपनियां और यहाँ की सरकारें तक इस बात का मौका ढूंढती रहती हैं कि कब उनको एक छोटा सा मौका मिले और वो भारत और भारतीयों की इंसल्ट कर सकें। लेकिन भारतीय लोगों का दिमाग कितना ज्यादा तेज होता है यह तो अब पूरी दुनिया ने देख ही लिया है कि जहाँ पर पश्चिमी देशों का समूह भारत की इंसल्ट करने जा रहा था तो भारतीयों ने उन पश्चिमी देशों की ही इंसल्ट कर डाली। लेकिन इंडिया इसराइल को सपोर्ट करता है, ये इनको मसला है। तो यहाँ पर बात यह है कि व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया को इंडियंस ने इस तरह से इस्तेमाल किया कि ऊपर वही ट्रेंड चलाया और नीचे अमेरिका को उसकी असलियत दिखाई। देखिए एक रिसर्च के मुताबिक इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रेप अगर किसी मुल्क में रिकॉर्ड किए जाते हैं तो वो है अमेरिका सबसे ज्यादा। और ये वही अमेरिका है जो अपने टूरिस्ट जो भारत आए थे उनको खास तौर पर जो विमेन थी उनको बोल रहे थे, ये पिछले साल की खबर थी कि भाई आप ना इंडिया को विजिट ना करें, ये महिलाओं के लिए सेफ नहीं है और जो जा रहा है वो अपने जिम्मे पर जाएगा। और ये वो और वो कश्मीर में आ रहे थे, ये वो अमेरिका है जिसमें खुद जो है विमेन की सिक्योरिटी 0% है, सबसे ज्यादा रेप वहां पर किया जाता है, चाइल्ड अब्यूज सबसे ज्यादा अमेरिका में होता है, अनजस्टिस और ये जो असला क्योंकि वहां पर हर घर में होता है। कल की खबर है, शायद आप लोगों ने भी देखी होगी, एक 17 साल की जो बच्ची है उसने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को जी उनका मर्डर कर दिया जस्ट फॉर फन। तो इस तरह की चीजें क्योंकि वो एक बड़ा मुल्क है तो अपनी चीजें अपने अंदर ही दबा लेता है और इंडिया के खिलाफ रेसिज्म करना तो ये शुरू से अंग्रेजों का आपको पता है आदत है। वीडियो में ये भी तो बोला गया कि इंडिया जिस तरह से तरक्की कर रहा है इन कंट्री से हजम भी नहीं हो रहा है, ये कुछ ना कुछ इमेज खराब करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जहां पर भारतीय हो वो तो ऐसा कभी भी नहीं चाहेंगे, उन्होंने इसी ट्रेंड को ताकत बनाया और उन्हीं के नीचे लिखे रहे ताकि ये वो पढ़े और उनको आईना हो। तो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी और साथ साथ वो अपनी कंट्री के बारे में बता भी रहे इकोनॉमी में कितने आगे चले गए हैं, हमारी कंट्री में मतलब कि हर चीज पॉवर्टी कम हो गई, ग्रोथ बढ़ गई। हाँ तो इंडिया ने वाकई बड़ी तरक्की की है, लेकिन कहते हैं ना बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। और वैसे तो दुनिया में बहुत से लोग हैं और बहुत से आते हैं चले जाते हैं, लेकिन याद वही रह जाते हैं जिन्होंने कभी कुछ बड़ा करके दिखाया। दुनिया में कितने मिलियनेयर बिलियनेयर है, क्या आपको उनके नाम याद है? नहीं। आपको वही मिलियनेयर बिलियनेयर याद होगा जो ह्यूमैनिटी के लिए काम करता होगा। तो ये तो एक खैर ट्रेंड की बात है, लेकिन इंडिया ने उसको जिस तरह से रिवर्स किया है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। इंडिया में मसले हैं, हम भी रोड शो में कहते हैं बहुत से मसले हैं, लेकिन मसलों के साथ साथ उस मुल्क के अंदर काम भी हो रहा है। एक्स पे जो इलॉन मस्क का एक्स है उस पे ट्रेंड चल रहा है व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया, तो आपको लग रहा है कि वो ट्रेंड इसीलिए स्टार्ट हुआ है, इसी न्यूज़ की वजह से? नहीं 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 नहीं, वो ट्रेंड एक्चुअली एंटी इंडिया सेंटीमेंट है। अच्छा। एंटी इंडिया एक सेंटीमेंट है फ्रस्ट्रेशन का, क्योंकि ना तो हमारे मोदी जी दब रहे, ना ही हमारा जो अपोजिशन मतलब हमारे जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर है वो दब रहे, उनके जो सेवेज रिप्लाई है वो आप लगातार देख रहे होंगे, दुनिया में तूफान मचा रखा है। तीसरी बात, उन्होंने सोचा इकोनॉमी को कंट्रोल कर लेंगे, वो कंट्रोल नहीं हो पा रही। जॉर्ज सोरोस जैसे फ्रस्ट्रेशन में खुद कह चुके हैं कि इंडिया में मोदी जैसा दोबारा नहीं आना चाहिए, और वो पूरी ताकत लगा चुके हैं, सारे इनके जितने टेंट्रम थे सब फेल हो चुके हैं, इससे अंदाजा